हेलो एवरीवन, तो आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो या फिर वर्किंग वुमेन हो, इजीली इस मेकअप लुक को कहीं पर भी किसी भी फंक्शन में करके जा सकते हो। इनफैक्ट अगर आप वेडिंग फंक्शन में जा रहे हो तो इजीली इस लुक को अचीव कर सकते हो। बिल्कुल मेकअप करना नहीं आता तब भी इस वीडियो को देखने के बाद आप इस मेकअप को करना सीख जाओगे पूरी वीडियो को देखने के बाद। आज मैं बताने वाली हूँ बेबी पिंक आईज विथ स्मोकी लाइनर लुक। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किस तरीके से आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले मैंने लिया है VLCC का बॉडी लोशन है, आमंड बॉडी लोशन। मैं अपनी रिस्ट पर कर रही हूँ, आप आइज पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओलिविया की पैन स्टिक्स ली हैं, मेकअप स्टिक्स, आप किसी भी फाउंडेशन से भी ये काम कर सकते हो अगर आप हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो तो, अदरवाइज आप कंसीलर से कीजिएगा आई बी इसके लिए। उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन मैंने लिया है ग्लैम 21 का कॉम्पैक्ट पाउडर, आप लूज पाउडर भी ले सकते हो। ओके, इसे मैंने सेट कर लिया। एंड उसके बाद मैंने मेबेलिन की ब्राउ पेंसिल ली है, ब्राउ शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद इसमें लाइनर की लाइंस लगाऊंगी जिस तरीके से हमारे आईब्रो में हेयर्स होते हैं। ओके, NYB का लाइनर यूज़ किया है। इसके बाद मैं आई शेप ड्रॉ करूँगी। आप चाहो तो अपनी आईब्राउज़ की एजेस को शार्प दिखाने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा सा कंसीलर से दोबारा से सेट कर सकते हो, एजेस को क्लीन कर सकते हो, उससे आईब्राउज़ बहुत शार्प दिखाई देती हैं। उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक चक 21 आई शेडो मेन गर्ल, रूट कॉस्मेटिक्स का आई शेडो पैलेट है। एंड इसमें से आज मैं सारे कलर्स यूज़ करूँगी। ये गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेकअप ब्रशेज आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। एंड एक स्मॉल सा क्रीज के लिए ब्रश लिया है मैंने, पैक का ब्रश है ये, और बहुत ही लाइट कलर लिया है मैंने अपनी क्रीज के लिए ऊपर। देखिए लाइट कलर से स्टार्ट करूँगी मैं सबसे पहले क्रीज ड्रॉ करना, पैट करना है, ब्लेंड करना है। फिर मैंने सेकंड कलर लिया है थोड़ा सा पर्पलिश टाइप, पर्पल पिंक मिक्स है, तो इस कलर से बिल्कुल पीछे की साइड हम क्रीज ड्रॉ करेंगे, बहुत आगे तक नहीं लेके जाएंगे आईज को। मैं आउटर वी पर फोकस कर रही हूँ पीछे पीछे की साइड। एंड एक बिल्कुल ही आपको क्लीन ब्रश लेना है, बिल्कुल उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए आपका आई शेडो का, तो उससे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ ताकि ज़्यादा मेरी क्रीज पर कलर ना रहे और ब्लेंड भी बहुत अच्छे से हो जाए। ज़्यादा कलर्स पर फोकस नहीं कर रही थी मैं गाइस, एंड अच्छे से ब्लेंड भी कर रही थी। फिर उसी ब्रश में मैंने तीसरा कलर यूज़ किया है जो कि मरून टाइप शेड है, प्लस इसमें पिंकिश टोन भी है। ये भी मैं पीछे की साइड ही ज़्यादा फिल कर रही हूँ गाइस। देखिए इस तरीके से फिल करके पैट करके उसे ब्लेंड करेंगे। मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो पीछे ही रहेगा, पूरी क्रीज में मैं नहीं जाऊँगी, बट मैं उसे ब्लेंड ज़रूर करूँगी अच्छे से। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपका बस आई शेडो पड़ा हुआ है, बट मेरा जो फोकस है मैं पीछे ही रख रही हूँ ज़्यादा, बस मुझे पीछे ही कलर चाहिए अपने आउटर वी पे, क्रीज पे। इस तरीके से ब्लेंड करके उसके बाद मैं ले रही हूँ बेबी पिंक शेड, शिमर शेड है गाइस, ये बहुत प्यारा है एंड बहुत ही पिगमेंटेड शेड है। ओके, तो मैं फिंगर की हेल्प से इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज मुझे थोड़ी सी अच्छी कवरेज चाहिए और फिंगर से बहुत अच्छे लग जाते हैं शिमर कलर्स। इसके बाद मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है एंड अच्छे से कलर को फिल करेंगे, शेप बनाएंगे आई की इस तरीके से। थोड़ी सी और पिगमेंटेशन चाहिए तो आप ब्रश को वेट करके भी यूज़ कर सकते हो, गीले ब्रश के साथ भी कलर अप्लाई कर सकते हो, बट आपको पूरा ही गीला नहीं करना, हल्का सा वाटर को स्प्रे करना है एंड फिर कलर यूज़ करना है। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, फैला फैला लग रहा था मेरा सारा आई शेडो साइड्स में, तो शिमर कलर जब हम यूज़ करते हैं तो उसके पार्टिकल्स फैल जाते हैं, तो वैसे तो इतना फॉल आउट नहीं होता है जो मैं आई शेडोज यूज़ करती हूँ, बिकॉज अच्छे ब्रांड के होते हैं, बट फिर भी। ओके, नेक्स्ट मैं ब्लैक शेडो ले रही हूँ एंड फ्लैट ब्रश लिया है, और देखिए इस तरीके से स्मोक आउट कर रही हूँ, स्मोकी लुक क्रिएट कर रही हूँ लाइनर की, जहाँ आपकी आईज़ मतलब आप लाइनर लगाते हो उसके ऊपर आपको इस तरीके से लाइनर की तरह ब्लैक कलर यूज़ करना है और उसको थोड़ा थोड़ा सा स्मोक आउट करना है, स्मज कर लेना है। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रोबोन एरिया, हाईलाइट कर रही हूँ एंड फिर से सब कुछ क्लीन कर रही हूँ और अपने आईब्राउज़ को भी थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। और NYB के काजल से मैं फिर लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, आप लाइनर लगाएंगे उसके बाद।
एंड फिर से वो फ्लैट ब्रश लेकर आप अच्छे से उसको शेप दे देंगे एंड स्मोकी लुक फाइनल कर देंगे इस तरीके से। बहुत ही ध्यान से करना है, शेप बहुत अच्छी आनी चाहिए। आप इस तरीके से स्मज करते हुए लाइनर के साथ साथ बहुत अच्छी शेप दे देंगे। ओके, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और क्लीन कर रही हूँ, क्रीज कलर को भी थोड़ा सा और ब्लेंड करूँगी, बट कोई प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, ओनली ब्रश के साथ वर्क कर रही हूँ, जो ब्रशेज़ मैंने यूज़ किए थे। ओके, सो नाउ एक बार फिर से मैं क्लीन कर दूँगी सब कुछ। देखिए क्रीज कलर अप्लाई कर लिया मैंने। सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, जो ब्रोबन एरिया पर कलर यूज़ किया था हाईलाइटिंग के लिए वही कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं लैशेस ड्रॉ कर रही हूँ। आप फॉल्स लैशेस और मस्कारा लगाकर, अगर चाहो तो फॉल्सेस लगाकर इस लुक को कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, कोई भी क्रिएट कर सकता है आसानी से। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ द फाइनल लुक गाइस, होप आपको पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा। और अगर समझ आया है, वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेकअप स्टोरीज़ बाय मंजीत मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे और अमेजिंग लुक्स सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।